श्योपुर जिले की करहल थाना क्षेत्र की प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ शादी करने कोच में आई, पीछे से माता पिता आ गए, बॉयफ्रेंड छोड़कर भागा। खबर श्योपुर से है, जहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज करने श्योपुर जिले के करहल थाना क्षेत्र से शिवपुरी आई थी। वह कोर्ट में पहुंच ही रही थी कि तभी पीछे से महिला के परिजन आ गए। परिजनों को देख प्रेमी से सिर से प्रेम का भूत उतर गया और वह प्रेमिका को छोड़कर भाग गया। प्रेमिका को परिजनों ने पकड़ लिया, परंतु महिला परिजनों के साथ जाने के तैयार नहीं थी, तो वहां पर पदस्थ पुलिसकर्मियों ने तत्काल निर्भया मोबाइल को बुलाकर युवती को सिटी कोतवाली भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार शिवपुर जिले की करहल थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 साल की महिला 3 दिन पहले ससुराल से लापता हो गई थी। परिवार ने करहल थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। महिला की 2 साल पहले शादी हुई थी। विवाद के दौरान पता चला कि महिला का चंदन नामक युवक से अफेयर चल रहा था। वह 3 दिन पहले चंदन के साथ ही ससुराल से गई थी। बुधवार को वे कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे। यहां पर लिखा पढ़ी की कार्यवाही चल ही रही थी कि महिला के पिता और भाई आ गए। करहल थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल ने गुरुवार को बताया कि करहल थाने में महिला की गुमशुदगी दर्ज है। शिवपुरी पुलिस से बात हुई, महिला को करहल थाने लाने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आखिर क्या था पूरा मामला, आपको बता दें कि विगत 17 जून को ससुराल जनों ने महिला के लापता होने की शिकायत करहल थाने में की थी। उधर परिवार के लोगों को लगा कि उनकी बेटी के साथ ससुराली जनों ने कुछ कर तो नहीं दिया। उधर महिला के लापता होने से ससुराल जन भी चिंतित थे कि जब करहल थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि महिला शिवपुरी कोर्ट में है। पुलिस परिवार के लोगों के साथ शिवपुरी पहुंची तो वहां परिवार के लोगों को देख प्रेमी भाग गया, या यूं कहें कि प्रेमी का प्यार का भूत उतर गया। करहल थाना पुलिस ने महिला को अपनी अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए सुपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो एक विवाहित महिला को करहल थाने पुलिस ने शिवपुरी से दस्तयाब किया है, सर क्या मामला है ये? 17 जून को लड़की का नाम था सरोज जाटव, उसके पिता हैं देवीराम जाटव, गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि मेरी लड़की की शादी जो है वो 2019 में हुई थी राड़े गांव में। वो करीब करीब 1 साल से यहाँ रहती है, यहाँ मजदूरी कर रही थी, तो वो यहाँ से कहीं चली गई है बगैर बताए। उस पर हमने गुमशुदगी कर ली थी। गुमशुदगी में फिर सीपरी के माध्यम से वो किसी लड़के के साथ में, ऐसा बताया जा रहा है कि शादी आदि करने गई थी, तो वहाँ से हमारी टीम जो है ले आई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी सर करहल थाने में है सर? हाँ, अभी करहल थाने में है और उसके पिताजी माताजी और जो परिवार वाले लेकर आए थे उन्हीं के साथ में आए।